एक दिन की बात है, डोगेश ऑफिस में बैठा था पर उसका नीचे का सम्मान खड़ा था। थोड़ी देर बाद डोगेश का बॉस वहां आया और बोला, सुन रे लमड़े डोगेश, इलेक्शन का टाइम आने वाला है तो इसीलिए कल विधायक जी हमारे ऑफिस में आएंगे। तो विधायक को यहां क्यों आना है? अरे बुड़बक, उन्हें हमारे गांव की सारी जनसंख्या की लिस्ट चाहिए, इसीलिए यहां आना है। बॉस, आप उस विधायक को लिस्ट ही देते रह जाओगे और वो आपकी बीवी के साथ जनसंख्या बढ़ाता रहेगा। हुए हुए हुए। अरे लमड़े, तू वो सब छोड़ और जल्दी से जनसंख्या की रिपोर्टिंग करने गांव में जा, मुझे वहां की सारी खबर मिलती रहनी चाहिए। ठीक है बॉस, जा रहा हूँ। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना तेरी ऑफिस में लमड़ा हिलाने वाली वीडियो लीक कर दूंगा। थोड़ी देर बाद डोगेश कैमरामैन के साथ गांव पहुंच गया। फिर वे एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर से एक लड़की बाहर आती है। जी आप लोग कौन हो? मैडम, हम जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। हाँ पूछिए। आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है। भगवान करे जल्दी ही आपकी शादी हो जाए। धन्यवाद। एक और आखिरी सवाल मैडम। हाँ पूछिए। आपके कितने बच्चे हैं? अरे बेशरम, दिमाग नहीं है क्या? डोगेश मार खाकर घर से बाहर आया और अपने बॉस को फोन पे सारी बात बताया। अरे चादर मोड़ डोगेश, तूने उस लड़की से सवाल ही उल्टा पूछा। तो कैसे सवाल पूछूं? सबसे पहले कितने बच्चे हैं ये पूछना, समझा? ठीक है बॉस। डोगेश फिर से एक घर में जाता है। इस बार घर से एक औरत बाहर आती है। हेलो आंटी जी, हम जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। हाँ बेटा, क्या पूछना है? डोगेश डरते हुए पूछा। आंटी, क्या आपके बच्चे हैं या नहीं? हाँ मेरे बच्चे तो हैं। जी आंटी, कितने बच्चे हैं आपके? बेटा, भगवान की कृपा से मेरे 7 बच्चे हैं। बहुत बढ़िया आंटी, अब एक आखिरी सवाल। हाँ पूछिए। अच्छा आंटी जी, आपकी शादी हुई है या नहीं? रुको बेटा, घर में से पता करके आती हूँ।